हूँ आपकी मेज़बान नबीला खान कराची से TTHR से। आप देख सकते हैं हॉट फेस्टिवल कराची से 22 मई लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में आज हम लोग खड़े हैं, अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं। ये चलिए आपको दिखाते हैं। हमारा चैनल शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। ये देखें ये सांबा आर्ट गैलरी है, इधर सांबा आर्ट गैलरी हम आ चुके हैं। और ये देखें ये आर्ट फेस्टिवल कराची 2022, ये असल प्रोग्राम, ये असल प्रोग्राम है। ये देखिए ये असल प्रोग्राम है, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, ये अब्दुल जबार गुल, ये सारी चीज़ें हैं जी। ये ले, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहें। अभी आपको दिखाते हैं आगे क्या सिंध टूरिज़्म, सिंध टूरिज़्म। उस दिन पिछली अपने वीडियो में भी आपको दिखाया था सिंध टूरिज़्म क्या क्या करता है। सिंध टूरिज़्म बहुत अभी आप ये कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध आर्ट फेस्टिवल 2022, ये सारे इसका सारा लिखा हुआ है। और ये देखें जी आर्ट गैलरी है माशाल्लाह, इसके अंदर सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये आप देखें, ये इधर से देखें, ये देखें, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये आर्ट ही आर्ट है, आर्ट ही आर्ट है, आर्ट ही आर्ट है, आर्ट ही आर्ट है। ये देखें और वो सामने देखें, इन दीवारों को देखें, इधर से देखें, पब्लिक देख रही है इसको। ये देखें, ये देखिए, ये देखें, ये देखें, ये सारी आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी में ज़ाहिर आर्ट ही होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, थैंक यू। ये देखें आर्ट गैलरी में ये चीज़ें नायाब नायाब आप देख रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का आर्ट मौजूद है। ये लीजिए महवेश, आज आप लाइब्रेरी के अंदर आई तो आपने क्या क्या देखा और क्या क्या मौजूद? मैं भी आई हूँ एक्चुअली यहाँ पे, हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चों का है काम लगा हुआ और सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल का काम है, टीचर्स का काम है, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टीचर्स अपने प्रिंसिपल का काम देखना और उसको समझना। इन सब चीज़ों के लिए मैं विजिट पर आई हूँ आज ये देखने, और यहाँ अक्सर होती रहती हूँ, बहुत अच्छी होती है एग्जीबिशन। अच्छा जी, स्टूडेंट जो है उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? जी स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहिए? मैंने असल में भी तो विज़िट किया नहीं है, लेकिन मैं भी काम देख ही रही हूँ। मैंने आपको बताया अभी मैंने सिर्फ प्रिंसिपल का ही देखा, जैसे कि मेरे बिल्कुल सामने लगा हुआ प्रिंसिपल का काम है, ये मेरे टीचर का काम है जी, सर मसूद है हमारे टीचर, उनका काम है, तो अभी सिर्फ मैंने यही दो काम देखे हैं, स्टूडेंट्स का भी मैंने देखा नहीं है जी। पाकिस्तान के लिए कुछ बोलना चाहेंगी, शेर व शायरी या कोई शेर व शायरी से मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, और काम के हवाले से आर्ट इंस्टीट्यूट्स में हमारे होते रहने चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें बहुत नीड है इन सब चीज़ों की। हमारे चैनल के लिए क्या कहें? आपके चैनल के भी मुझे इतना पता नहीं है। बिल्कुल सही है, आपका चैनल है कौन सा आप बताएं? अच्छा अच्छा ओके, चलें अच्छे, अच्छी बात है, अल्लाह करे आप और तरक्की करें आपका चैनल, और इसी तरह से आप लोग प्रमोट करते रहें आर्ट के हवाले से, एग्जीबिशंस में आते रहें जाते रहें और आपसे मीटअप रहें। चलिए थैंक यू, इसके साथ पाकिस्तान के लिए नारा होते पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके जी राधिया करीम, राधिया करीम क्या करती हैं? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, यहाँ पर मैं एक आर्ट व्यूअर के तौर पर आई हूँ। तो आज जो आपने विज़िट की है कैसा लगा आपको, लोगों को क्या पैगाम दें? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि डेफ़िनेटली लोग आके इस शो को एंजॉय करें, यहाँ पे पूरे सिंध से पाकिस्तान के आर्टिस्ट का बहुत खूबसूरत और अच्छा काम है, हमारे यंग आर्टिस्ट भी हैं और ओल्ड आर्टिस्ट दोनों के एक साथ का काम है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसे और शोज़ भी होने चाहिए। पाकिस्तान के लिए कुछ शेर व शायरी या कोई नज़्म वगैरह? मैं शेर व शायरी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, माजरत चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। किन पत्थरों के पास ले रहे हैं?
आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है। यस, आई एम तैयबा आसिफ, आई एम ए प्रोफेशनली फाइन आर्टिस्ट, माई फील्ड इज स्कल्प्टर। तो आप क्या पूछना चाहेंगे आज मुझसे? मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, ये जो हार्ट का काम हो रहा है तो ये कहाँ से बन के आ रहा है? अच्छा, ये एक्चुअली ये जो आर्ट गैलरी है ये और ये जो काम है, ये जो क्यूरेटर हैं, जो इसके करने वाले हैं, जिनको जमा किया है, ये सारे जो चीज़ें की हैं वो अब्दुल जब्बार गुल की हैं। उन्होंने सबको जमा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं वो लोग, और प्लेटफॉर्म जो उन्होंने दिया है वो अब्दुल अलीम लशारी हैं, गवर्नमेंट हाउस ऑफ सिंध के। ठीक है, तो वो मौका देते हैं हर आर्टिस्ट को, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, कि वो अपने काम को प्रमोट करें और यहाँ पर लेकर आएँ, ताकि दुनिया आके देखे कि कौन सा आर्टिस्ट किस मीडियम पर कैसा काम कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा है, मैंने बहुत शो इनके मलके हैं, बहुत सारे शो मैंने इनके देखे हैं, और मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका जो एक इन्वायरमेंट है और इनका जो एक मोटिवेशन लोगों को मिलती है, बच्चे छोटों को मिलती है। जैसे सीनियर आर्टिस्ट हैं तो उनका काम देख के जो जूनियर लोगों को, हम लोगों को जैसे मोटिवेशन मिलती है, हमें बड़ी खुशी होती है कि यहाँ हर तरीके का काम होता है, स्कल्पचर्स भी होते हैं, ऑयल पेंटिंग भी होता है, और जितने भी मीडियम हैं, जितने भी हैं मिक्स मीडिया है, सब पे काम होता है, तो हमें मज़ा आता है। और जब्बार गुल की तो क्या ही कहने, कि उनका तो नाम ही काफ़ी है। जब उनका नाम लोग लेते हैं तो दूर दूर से जो जितने भी लोग होते हैं सारा काम छोड़ के उनकी गैलरी में आते हैं, और ज़रूर इंजॉय भी करते हैं और उनका काम देखते सराहते भी हैं। तो ये मेरी विश है सबके साथ कि प्लीज़ आएँ, ज्वाइन करें। वैसे तो आज आखिरी दिन है, लेकिन काम लगा हुआ है, आप लोग इस गैलरी को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन काम है और बहुत ही मज़ा देने वाला एक मोटिवेशनल काम है, जो आपको देख के लगेगा कि हाँ, कराची में इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम, क्या नाम है आपके? महवेश। आपके? अलीज़ा। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? आर्टिस्ट हैं, हमारा काम लगा हुआ है इधर, काम आपके खुद के हाथों का बने हुए? जी 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 जी, बिल्कुल। बाकी स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप, जितने भी लोग जो आगे नए आर्टिस्ट हैं? हम भी खैर नए आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारे बाद जो आ रहे हैं, हम उनसे भी ये कहेंगे कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और यहाँ पे आके अपना काम डिस्प्ले करें, ताकि अच्छा है, यहाँ पे काम ग्रो करता है, लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है, और दूसरे लोगों का काम लगा हुआ है तो आप देखोगे दूसरे लोगों का काम, फिर इससे बंदा देख भी सकते हैं। हाँ, सीख भी सकता है, सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसके साथ पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगी? नज़म, शेर व शायरी? नहीं, शेर व शायरी और नज़म तक तो नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ, हम पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अच्छी बात है अगर हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट और ग्रो करें, हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, और हमें ऐसी मेहनत करनी चाहिए। एक आर्ट को ही नहीं, हर चीज़ को ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट से हमें ग्रो करना चाहिए। चलिए, इसके साथ पाकिस्तान के लिए हमारा एक नारा होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर रोड पे जा रहे हैं हम ऊपर, ये देखें, ये भी आर्टिस्ट का कमाल है, ये आर्टिस्ट का कमाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं, पब्लिक आ रही है, ये आर्ट से लोगों को बड़ी दिलचस्पी है। ये देखें फिर यहाँ पे ये देखिए सामने, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये अंदर रूम है, इस रूम में भी इसी तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखें, पब्लिक ने रश बड़ा डाला हुआ, पेंटिंग्स हैं, रश बड़ा डाला हुआ है। ये देखें, ये आर्ट वर्क बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आप बताएं। अच्छा जी, आज का आपने विज़िट किया तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया, पहली दफ़ा मैं कराची में आर्ट गैलरी विज़िट किया है। इनफैक्ट मैं तो बाहर से आई हूँ, तो मुझे आर्ट का बहुत शौक है ना, तो पहली दफ़ा मैं कराची में एक्सप्लोर कर रही हूँ गैलरीज, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी स्टूडेंट वगैरह को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो बहुत अच्छा वर्क है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के, बहुत मज़ा आया कर रहे हैं जी। बहुत, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं आर्ट के अलावा, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बस बहुत ही, लाइक मैं पहली दफ़ा आ रही हूँ, तो मुझे बस
अच्छा लग रहा है कि मैं कराची के आर्ट गैलरी को देख के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची के यहाँ आर्टिस्ट्स हैं और मेरे कल्चर के, मेरे ट्रेडिशन के सब लोग बना रहे हैं आर्ट्स, मुझे बस मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए कोई नज़म वगैरह शेर शायरी? मैं इतना उर्दू बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। अच्छा चले, पाकिस्तान के लिए आखिरी नारा लगवाते थे हम लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त किस्म का ये, इसको क्या कहते हैं, मलाखड़ा, पहलवानी हो रही है, पहलवानी। इसकी आर्टिस्ट ने क्या कवरेज किया, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आर्टिस्ट को कमाल कर दिया आर्टिस्ट ने, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आर्टिस्ट ने, यहाँ भी बड़े ज़बरदस्त काम किया हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह आर्टिस्टों का कमाल है, कमाल है। ये यहाँ भी काम नहीं ख़त्म हुआ, और यहाँ देखें, ये देखें, और इसके ऊपर ये देखें, ये कतबे लिखे हुए हैं, कतबे लिखे हुए हैं, ये आगे देखें, ये देखें, बहुत पब्लिक है जो इंजॉय कर रही है, ये ऊपर देखें ज़रा, ये देखें ऊपर, देखिए आपने डीजे देखा, ऊपर देखा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। क्या नाम है आपके? मोहम्मद रमज़ान राहिमो। ये जो काम है आपके हाथों का बना? अच्छा, ये जो मैंने काम किया है ये फ़िश हार्बर मैंने बनाया है। ये हम एवरी संडे को कुछ दोस्त हम मिल के वहाँ जाते हैं फ़िश हार्बर फिशरी पे, और वहाँ पर जो है ना जो वो होती हैं, इसका नाम है कश्तियाँ होती हैं, समुंदर के थपेले खा के थकी हारी पेंटिंग्स जो आके वहाँ खड़ी होके जब उसके जो मछेरे होते हैं उसको रिपेयर करते हैं, उसके काबिल करते हैं, उसके बाद उसको ले जाते हैं। इसको शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी शायरी में भी है ना इसको बताया है सुर सामुंडी के नाम से। इसको मैं पेंट करता हूँ सुर सामुंडी। सुर सामुंडी के अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ ने जो है उसकी जो जो व्यापार है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब इनकी है ना कश्तियाँ जाती हैं, जब उनको ये पता नहीं होता कि हम वापस ज़िंदा आएंगे या मुर्दा आएंगे, और उसमें उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो बड़ा वो करती हैं। ठीक है, इस तरह का ये मैंने काम किया है ये वो। चलें जी, इसके साथ हम पाकिस्तान, आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा है। आपकी है ना सी व्यू पर एक, आपने सी व्यू पे एक बनाई थी, एक दूसरी जो है ना सी व्यू पे सीबीसी वालों का जो फेस्टिवल लगा था उसमें भी आप लोगों ने फ्लावर शो को बड़ा कवरेज किया था, और हर जगह पे आप गए थे, हर स्टॉल को आपने अप्रिशिएट किया था। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको? मेरा नाम लखूमल है। आपका? मैं रमेश कुमार का छोटा भाई। रोशन मेघवाड़। दिलीप मेघवाड़। ये जो काम आपने किया है ये आपके अपने हाथों का बना? जी जी हाँ, ये मेरे अपने हाथों का बना हुआ, और ये फाइबर ग्लास में बना हुआ है। अच्छा। जी हाँ, ये और ये ओल्ड वोमेन है जो हिडन फीलिंग्स है, जो अपने मना फीलिंग्स छुपा के बैठी है, और दुनिया के सामने तो खुशी दिखा रही है लेकिन अंदर वो उसके मना बहुत मना मायूस है। जी हाँ जी हाँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दिखा है। तो इसके अलावा आपके और क्या काम? और मैं यही काम करता हूँ, फाइबर ग्लास में बड़े बड़े स्टेचू बनाता हूँ, खास करके मंदिरों का काम करता हूँ। जी आप? मैं वैसे तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट था, लेकिन अभी रिटायर हूँ, और अभी ये मेरा साला भी लगता है और ये काम करता है, बहुत खुशी होती है मुझे। आज मैंने जब देखा कि ये इधर है तो मेरे को मैं आ गया। जी आप? ये बड़े भाई है, इसके साथ काम करते हैं मिल करते। ये तो बहुत खुशी की बात है कि जब आप भाई एक दूसरे का साथ दे रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए, इसके साथ पाकिस्तान के लिए एक नारा होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, वालेकुम सलाम, कैसे सर आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते थे, हमने वीडियो काटी, तो आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं खसूसी तौर पर ये हमारे बरदरी मेघवाड़ बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं रमेश कुमार, मैं इनके बारे में खसूसी तौर पे बात करना चाहता हूँ कि रमेश एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारी बिरादरी के तकरीबन ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान के भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो और इनके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि रमेश का जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये हमारे जो है मसनूई एक गुर्दे पर चल रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहूँगा, ख़ास करके साईं सरदार शाह साहब से, कि रमेश की केयर की जाए,
ऐसे आर्टिस्ट बार बार पैदा नहीं होते, ये हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनकी कदर की जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने ये बात की। चलें जी, थैंक यू। हाँ थैंक यू। इससे बाहर जा रहे हैं, ये देखो बहुत से मीडिया वाले लोग लगे हुए हैं, बच्चियाँ आ गई हैं और भी लोग आ रहे हैं, ये देखें पब्लिक ही पब्लिक आ रही है जनाब, ये देखिए। का करम है। अच्छा जी, आप हमें कोई अच्छी सी प्यारी सी नात सुना दें। नातें तो खैर सारी प्यारी होती हैं, अब आप अपनी आवाज़ में अच्छी सी नात सुना दें। ठीक, मैं अपना नात है वो मैं सुनाती हूँ। ठीक है। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोच जहन्नम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोच जहन्नम क्या होगा। जिस आग के अंदर इंसान हो, उस आग का आलम क्या होगा। जब घुंघुर गले का बोलेगा तो सांस कडोरा टूटेगा। जब घुंघुर गले का बोलेगा तो सांस कडोरा टूटेगा। जब रूह खींचेगी रग रग से, जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। जब आएंगे जहां में फखरे रसूल, उस वक्त का आलम क्या होगा।